स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। आज हम लोग नॉन प्रोक्टर्ड एग्जाम्स जो हुआ है एनपीटीएल का पाइथन फॉर डेटा साइंस उसकी आंसर के डिस्कस करने वाले हैं विद कोड्स। आई होप आप सभी को भी फुल मार्क्स मिले होंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डाउनलोड द डेटा सेट विच वॉज गिवन bank_marketing.csv। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट एंड we have to refer this attachment bank marketing data description, right? Yeah. So let's begin with the code. First of all, we need to import pandas. So I have imported pandas to read that file. So in what code you have to write? Import pandas as pd, right? And run this code. Now it's time to read the data frame or the data set which has been given in the question. So to import the data set, what we need to write? Df equal to, df I have taken a variable, df equal to panda ko aapne pd mein store kiya hai, so I have to refer pd dot read underscore csv function ki help se hum log read karenge. Data set name is dot csv, right? Ye jo bhi file aapko given thi usi file ko same extension ke saath aapne import kar liya, then df को प्रिंट किया है ना आपने, ये फर्स्ट वाली लाइन को लिखने के बाद df को जैसे ही प्रिंट किया आप रन करेंगे तो यू कैन सी यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड द डेटा सेट विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? बट हियर यू कैन सी वन मोर कॉलम अननेम्ड, अननेम्ड हुज अननेम्ड जीरो हुज वैल्यूज आर वेरी मच सिमिलर टू द कॉलम एट द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज टू कॉलम? द पर्पस ऑफ दीज टू कॉलम इज टू give the numbers to the rows, right? जितने भी यहाँ पे records है उन सभी को numbering provide करने के लिए हम इसका use कर रहे हैं. So, but this column is extra, right? 0100112 है ना? Here you can see the similar values, right? So this data is redundant for us. So let us remove this column, right? So to remove this column, what you have to add? You have to add comma index underscore column equal to zero. जैसे ही आप index underscore column equal to zero को use करेंगे, previous ही code में मैंने index underscore zero column का use किया है, तो जो extra column आपको दिख रहा था unnamed zero वो अब remove हो चुका है. अब मैंने इस data set को print किया. Let me run this code once again. So here you can see, you can check the difference between these two columns, right? तो यहाँ पे zero वाला जो column था first वाला वो तो as it is है. नेक्स्ट वाला कॉलम अननेम्ड था वो अब रिमूव हो चुका है. अब सेकेंड कॉलम आपका हो चुका है एज, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ नाउ दिस कॉलम वेरी फर्स्ट कॉलम विल बिहेव एज इंडेक्स जीरो कॉलम, राइट? नाउ सो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम आर नंबर, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो टू द कोड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इज df dot, df is the variable which is holding the data set, right? Df dot is null function dot some function dot some function, right? अब मैं अगर इसमें से एक भी सम को रिमूव कर देती हूँ, राइट? जैसे मैंने सेकेंड वाले को रिमूव कर दिया, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तो आपको ये बताएगा जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में नंबर ऑफ नल वैल्यूज कितने हैं, राइट? बट हमसे ये नहीं पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज कितनी है ओवरऑल, राइट? तो हम लिखेंगे डॉट सम मेथड, ठीक है, और इसको रन कर देंगे. जैसे हम रन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा जीरो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम. डुप्लीकेटेड वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कोड होता है डीएफ, डेटा फ्रेम जो आपने लिखी हुई है डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन डॉट सम फंक्शन, राइट? तो डुप्लीकेटेड, अगर ओनली आप डुप्लीकेटेड लिखेंगे तो जहां जहां भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, बट अगर आपको नंबर प्रिंट करना है टोटल नंबर कितने हैं तो डॉट सम मेथड का यूज कर लिया तो आंसर आ गया आपका जीरो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ डेटा आफ्टर ड्रॉपिंग द फीचर अननेम्ड जीरो मिसिंग वैल्यूज एंड डुप्लीकेटेड वैल्यूज. सी, अननेम्ड जीरो को रिमूव करना तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंडेक्स कॉलम इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू जीरो की हेल्प से हम अननेम्ड जीरो कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं. मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेटेड वैल्यूज इस डेटा सेट में गिवन ही नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, लिखना है डीएफ डॉट शेप. जैसे ही आप डीएफ डॉट शेप लिखेंगे
और रन करेंगे तो आपको आंसर मिल गया 5581x17. सो दिस इज योर थर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द क्लाइंट दोज हु हैव सब्सक्राइब टू डिपॉजिट. राइट, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एज निकालनी है उन क्लाइंट्स की जिन्होंने डिपॉजिट में सब्सक्राइब किया है, मतलब डिपॉजिट वाले कॉलम में जिनकी वैल्यू क्या से. राइट, तो ए हमको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एज. राइट, तो हम मीन फंक्शन जो है, मीन फंक्शन जो है वो एज वाले कॉलम पे लगाएंगे. किस पे लगाएंगे, मीन फंक्शन लगाएंगे एज वाले कॉलम पे. ठीक है, और किन दो कॉलम्स की ग्रुपिंग की बात हो रही है इस क्वेश्चन में. सो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एवरेज एज ऑफ द क्लाइंट हु हैज सब्सक्राइब टू डिपॉजिट. सो डिपॉजिट और एज, इन दोनों कॉलम की हमको क्या करना पड़ेगी, ग्रुपिंग, और एज वाले कॉलम पे मीन फंक्शन अप्लाई करना होगा. राइट, सो हियर यू कैन सी वी हैव टू राइट कोड लाइक दिस. डीएफ डॉट डेटा फ्रेम सिलेक्ट हो गई, फिर आपने ग्रुप बाय लगाया, किन दो कॉलम्स पे लगाया, डिपॉजिट और एज पे, और एज का मीन कैलकुलेट करना है तो एज डॉट मीन फंक्शन का यूज किया. राइट, तो इससे जो आपके सामने आंसर आ रहा है, दिस इज द आंसर. डिपॉजिट में यस वाले 41.4 है और नो वाले 40.9 है. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जब आंसर का कैलकुलेशन हुआ है तो राउंड ऑफ हो गई वैल्यू, तो नो का अगर आंसर पूछा जाएगा तो 40.9 की वैल्यू हो जाएगी 41, और यस अगर पूछा जाए तो 41.4 लेस देन 5 है तो 41 ही कंसीडर होगा. तो नो वाले 41 हो गए और यस वाले भी 41 हो गए. अब क्वेश्चन क्या पूछा था, दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड है मतलब यस, यस वाला आंसर पूछा है आपसे, तो आप चेक कर सकते हैं यस वाले हैं 41. राइट, सो योर आंसर इज 41. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर द क्लाइंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू डिपॉजिट. राइट, अब आपको फिर से ग्रुपिंग करनी होगी, मैक्सिमम फंक्शन का यूज करना होगा, एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम का यूज करना है, किस कॉलम पे लगेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स की बात हो रही है तो कॉन्टैक्ट्स वाले कॉलम पे आपको मैक्सिमम लगाना है. परफॉर्म ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर द क्लाइंट हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू डिपॉजिट. राइट, तो डिपॉजिट और कैंपेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंपेन्स पूछे है ना आपसे, तो कैंपेन पे आपने मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई कर दिया है और ग्रुपिंग ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, तो डिपॉजिट और कैंपेन की आपने ग्रुपिंग कर दी है, जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है, वहां पे मीन फंक्शन यूज आ रहा था, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन मैक्स का यूज किया जाएगा. तो नो नॉट सब्सक्राइब्ड वाला क्वेश्चन है तो नो का आंसर है 63, तो आंसर यहाँ पे आपके सामने 63. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम बैलेंस इन यूरोस फॉर द क्लाइंट हु हैव सब्सक्राइब टू डिपॉजिट एंड फॉर द क्लाइंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द डिपॉजिट. तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, अगेन आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना होगा, तो किस तरह से लगाएंगे आप देख सकते हैं, लाइक दिस बैलेंस कैलकुलेट करना है बेसिकली. तो हमने ग्रुपिंग कर दी डिपॉजिट और बैलेंस की, बैलेंस में मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया है ना, तो जैसे ही आपने इसकी ग्रुपिंग की तो यस वाले और नो वाले दोनों आंसर आ गए, और वही मैक्सिमम का डिफरेंस पूछा है आपने, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस. अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 81205 में से 56831 को माइनस किया तो आंसर आ गया 24373, विच वॉज द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काउंट ऑफ यूनिक जॉब लेवल्स इन द डेटा एंड फाइंड आउट हाउ मेनी क्लाइंट्स आर इन द मैनेजमेंट लेवल्स. राइट, तो पहले ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है, आपको यहाँ पे काउंट कैलकुलेट करना है यूनिक जॉब लेवल्स का. राइट, तो पहले हम इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको नंपाई लेना होगा. नंपाई लेने के लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी. राइट, और प्रिंट करना है यूनिक वैल्यूज को, तो प्रिंट फंक्शन में आपने लिखा एनपी नंपाई का जो जिस भी वेरिएबल में आपने होल्ड कराया है, एनपी डॉट यूनिक डेटा सेट, और जॉब लेवल पूछा है तो डबल कोट्स में आपने कॉलम का नेम लिख दिया जॉब. राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनिक जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है. आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. राइट, और करेक्ट आंसर वॉज 12. राइट, अब सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मेनी क्लाइंट्स आर इन द मैनेजमेंट लेवल. राइट,
सो हाउ मेनी क्लाइंट्स आर इन द मैनेजमेंट लेवल. तो हम क्या करेंगे, मैंने ग्रुप बाय कर दिया. सी आपका पूरा डेटा सेट जो था, इस पूरा डेटा सेट आपके डीएफ वेरिएबल में है. इसका एक कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को मैंने टी वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, राइट. तो कोड क्या होगा, टी इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय, डबल कोट्स में आपने कॉलम का नेम लिख दिया. और फिर टी डॉट डिस्क्राइब जैसे ही आप करेंगे तो ये जो जॉब वाला कॉलम है ये आपके सामने डिस्क्राइब होके आ जाएगा. तो दिस इज द कॉलम फॉर जॉब, राइट. अब आप इसको चेक कीजिए, उसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्लाइंट्स आर इन द मैनेजमेंट लेवल, राइट. तो मैनेजमेंट लेवल का आप चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल में कितने क्लाइंट्स दिख रहे हैं, 1318, राइट. सो योर करेक्ट आंसर इज 1318. 12 आप प्रीवियस वाले में देख चुके थे और 1318 आपके यूनिक क्लाइंट्स हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज स्प्लिट ऑफ द कैटेगरीज इन द कॉलम डिपॉजिट. परसेंटेज स्प्लिट निकालना है कॉलम डिपॉजिट में, राइट. तो इसका फॉर्मूला होगा, यू कैन सी हियर, एक ही कॉलम पे काम करना है अभी हमको. तो हमने सेलेक्ट किया डेटा फ्रेम में से कॉलम डिपॉजिट डॉट वैल्यू काउंट, राइट. वैल्यू काउंट का यूज करके नंबर ऑफ डिपॉजिट्स की वैल्यू काउंट हो गई और उसको डीएफ डिपॉजिट्स डॉट काउंट से डिवाइड कर दिया आपने और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने यस और नो में दो आंसर्स आ जाएंगे, राइट. अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा यस और नो में आंसर्स ही पूछे थे. तो आपसे उसने यस और नो में आंसर पूछा था, तो यस का आंसर है 46.9, जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 47 हो जाएगा, और नो का आंसर इज 53. सो यू कैन सी हियर यस इज 47% एंड नो इज 53%, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरेट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ एज वर्सेस बैलेंस. अब आपको स्कैटर प्लॉट बनाना है एज वर्सेस बैलेंस का एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज ट्रू, राइट. तो इसके पहले, ये चेक करने के पहले, हम एज वर्सेस बैलेंस का एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हैं, राइट. तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब की रिक्वायरमेंट होगी. तो मैंने पहले, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, राइट, इस लाइन के थ्रू. देन डीएफ डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर मेथड, राइट. प्लॉट डॉट स्कैटर मेथड से, अच्छा किन दो के बीच में बनाना है, तो क्वेश्चन में गिवन है एज और बैलेंस, राइट. तो मैंने एज को असाइन कर दिया एक्स वेरिएबल में और बैलेंस को असाइन कर दिया वाई वेरिएबल में, राइट. और जैसे ही ये क्वेरी रन की तो आपके सामने ये आंसर दिखेगा आपको, राइट. नाउ प्लीज चेक, फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अक्रॉस ऑल एजेस मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स एवरेज ईयरली बैलेंस इज ग्रेटर देन 20,000 यूरोस, राइट. अब आप चेक कीजिए, मोस्टली वैल्यूज जो है वो लेस देन 20,000 है. Rather, ये बोल रहा है कि greater than 20,000, तो this is less than 20,000. So, this was incorrect, right? Next option is, as the age increases, the bank balance of the client increases. So, here you can see, जैसे जैसे age increase होती जा रही है, आप ये इसकी density check कर सकते हैं, इसकी density क्या होती जा रही है, reduce होती जा रही है. Maximum पे तो देखे, density बिल्कुल ही कम हो गई है, right? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन, अक्रॉस ऑल एजेस मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स एवरेज ईयरली बैलेंस इज लेस देन 20,000 यूरोस. अब 20,000 यूरोस से एवरेज ईयरली इनकम जो है मोस्ट ऑफ द क्लाइंट की कम है. अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. लेस देन 20,000 में ही मैक्सिमम की एवरेज इनकम कम आ रही है. नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन इज एज द एज डिक्रीजेस द बैंक बैलेंस ऑफ द क्लाइंट डिक्रीजेस. तो अब आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे एज को आप डिक्रीज करेंगे, राइट से लेफ्ट में जब जाएंगे तो नंबर ऑफ जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है. तो करेक्ट आंसर वॉज आंसर नंबर 3. हाउ मेनी अनएम्प्लॉयड क्लाइंट्स हैव सब्सक्राइब टू डिपॉजिट, राइट. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस, सो हमको अगेन अनएम्प्लॉयड, एक तो अनएम्प्लॉयड बोल रहा है और एक डिपॉजिट की बात कर रहा है. तो अगेन हम इन दोनों का एक, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब कि आपने पूरे डेटा सेट में से इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और टी टू वेरिएबल में होल्ड करा दिया, राइट. और टी टू वेरिएबल को कर दिया है डिस्क्राइब, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 10 वॉज हाउ मेनी क्लाइंट्स
how many unemployed clients have subscribed to deposit, how many unemployed clients have subscribed to deposit, right? तो unemployed भी check करना है और deposit भी check करना है. तो हम again क्या करेंगे, data frame में से job और deposit इन दोनों की, इन दोनों का group T2 variable में hold करा लेंगे. Then T2 dot describe आप जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों का group बन चुका है. अब आपसे पूछा है unemployed, तो unemployed का total count आपको दिख रहा है 170 है, right? और yes वाले 92 है, मतलब जिन लोगों ने subscribe किया है वो 92 है. तो आपसे question क्या पूछा था, yes yes वाले ही पूछे थे, unemployed है और deposit किया है जिन्होंने, वो answer है आपका 92, right? Next question is the command used to convert the categorical variables to indicator variables. Indicator variables आपके dummy variables ही होते हैं. तो आपसे कमांड पूछा है कि हाउ टू कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स टू इंडिकेटर वेरिएबल्स. लाइक कैटेगोरिकल वेरिएबल जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स गिवन है, राइट? तो ये इंडिकेटर वेरिएबल्स क्या करेंगे, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि जब आप उसका यूज करेंगे, रिग्रेशन फंक्शंस का यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन इसका यूज करेंगे, तो वो जो होता है वो कैटेगोरिकल पे वर्क नहीं करेगा, उसको डमी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम डेटा की क्लीनिंग कर रहे हैं बेसिकली. तो कमांड यूज होता है पैंडास डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज और ब्रैकेट में डेटा फ्रेम जो भी है. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज किया है लाइक दिस, पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज और डेटा फ्रेम का नाम था हमारा डीएफ, राइट? तो आप देखिए प्रीवियस में अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे कुछ कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज थी जिसको इस डमीज वेरिएबल ने 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है, राइट? और सभी कॉलम सिलेक्ट करने हैं और उसमें से डिपॉजिट कॉलम को रिमूव कर देना है. तो बस दैट्स इट, लिखना है लिस्ट, बाहर इसमें आ जाएगा सेट डेटा डॉट कॉलम्स, तो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, माइनस सेट ऑफ डिपॉजिट, सारे कॉलम में से डिपॉजिट वाला कॉलम का सेट रिमूव हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा लिस्ट एंड सेट. हाँ, आई हैव रन दिस कोड ऑल्सो. So here you can see, I have stored this variable, this query into features and run this command. So here you can see all the columns name, column names. Here you can see all the column names except deposit, right? And next question is the command to predict the logistic regression model whose name was model on the test data set test, right? So hum abhi aage jo upcoming questions hai usme टेस्ट और ट्रेन डेटा सेट है, तो उसमें से टेस्ट डेटा सेट को प्रिडिक्ट करने के लिए कमांड पूछा है उसने. तो यूज होता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विद इन ब्रैकेट टेस्ट. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन राइट योर कमेंट्स, योर क्वेरीज एंड योर रिव्यूज इन द कमेंट बॉक्स available below. Thank you.